नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com एंड यूट्यूब चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 मार्च सन 2020 दोस्तों, आज के इस अपडेट में राशियों के आधार पर आपकी किस्मत, शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार के अंदर होने वाली हलचल और एक काम की बात। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपकी किस्मत। आज 1-5-9 यानी अग्नि तत्व की राशियों के लिए आज का दिन मुफीद साबित हो सकता है, आपके लिए निर्णय सही साबित हो सकते हैं। और पृथ्वी तत्व की राशियां 2-6-10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आज के दिन आपके लिए मुफीद या सकारात्मक नहीं रह सकता है, आपके लिए निर्णय के अंदर नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। वायु तत्व की राशियां 3-7-11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए रुख आज मुफीद नहीं रह सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा और व्यवसाय के अंदर कुछ नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जल तत्व की राशियां 4-8-12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, आज आपके लिए दिन सकारात्मक रह सकता है, लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं, आपके निर्णय सही जा सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार के अंदर आज बड़ी गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। SBI कार्ड की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में होने की संभावना बन सकती है। ऑयल एंड गैस, मेटल, बैंक और स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जो यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। PNB, SBI, ONGC, टाटा स्टील, वेदांता जैसे शेयर्स के अंदर आज कमजोरी देख सकते हैं। होटल इंडस्ट्रीज और एविएशन स्टॉक्स के अंदर भी आज कमजोरी की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। कमोडिटीज़ के अंदर बुलियन यानी सोने के अंदर आज मजबूती की संभावना बन सकती हैं और भारतीय रुपया कमजोरी की ओर अग्रसर हो सकता है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। दोस्तों, काम की बात। आज मकर राशि के वो जातक जिनका जन्म 1970 में हुआ है और उनके लिए आने वाले 2-3 महीने विशेष परेशानी के हो सकते हैं, चारों तरफ से परेशानियाँ आ सकती हैं, आप विशेष ध्यान रखें। आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। आप हमारी वेबसाइट ajayastromanyguru.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन चैनल यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा ही शिरोधार्य रहेंगे। आप बिल्कुल ना भूलें अपने कमेंट्स, अपने सजेशन देने के लिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।